आज मैं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर टच करने वाला हूं लेकिन ये ऐसी टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के सब कॉन्शियस माइंड लेवल पे ये प्ले करती है बातें जिसकी वजह से आपकी जो रिजल्ट्स है आपकी जो आर्टिकलशिप है आपकी जो परसेप्शन है सीए कोर्स को लेकर आपकी जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो जाती है इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट सर्टन लाइज सर्टन मिथ्स सर्टन एजेंशन जो एक बहुत ही कॉमन पार्लेंस में अब यूज होने लगे हैं कि हाँ सी कोर्स में तो ये 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 होता ही है जिसकी वजह से क्या है सीए स्टूडेंट्स के सब लेवल पे वो चलती रहती है कि दिमाग में वो बात बैठ जाती है जिसकी वजह से वो अपनी जो पूरी की पूरी कोर्स की स्ट्रक्चर है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते एंड आप क्लियर शायद नहीं कर पाते बात को ध्यान से सुनिएगा समझिएगा हर एक पॉइंट बिफोर जंपिंग टू कंक्लूजन बिफोर रिएक्टिंग अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से अंडरस्टैंड द इंपैक्ट दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग एंड देन प्लीज कॉमेंट फ यू लाइक देन हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि यही ऐसे ही रियलिस्टिक वीडियो और उसके साथ साथ आपको एग्जाम में पास करवाने के लिए बहुत सारे छोटे शॉर्ट इंपैक्टफुल वीडियोज प्रैक्टिकल वीडियोज इस चैनल पर आते रहेंगे आ रहे हैं हजारों लाखों स्टूडेंट्स बेनिफिट ले रहे हैं तो आप क्यों मिस कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेलाइकन दबाइएगा ऑल दबाइएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहला जो मिथ है सबसे पहला जो लाई है वो ये है कि सीए टफेस्ट कोर्स है भैया सीए टफ कोर्स है डिमांडिंग कोर्स है चैलेंजिंग कोर्स है लेकिन टफेस्ट कोर्स है दैट इज फॉल्स दैट इज इन वेरी प्लेन वर्ड्स बुलशिट अगर सीए टफेस्ट कोर्स है वो भी इंडिया का नहीं दुनिया का कोई कहीं से न्यूज आइटम निकल के आएगा कि सीए तो दुनिया का सबसे टफ कोर्स है तो भाई इंडिया के ही यूपीएससी क्या है इंडिया के ही कैट एग्जाम्स क्या है इंडिया के ही Uh, आपके ए आई आई एग्जाम्स क्या है इ, इंडिया के ही जो आपके मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो क्या है वर्ल्ड की तो मैं बात भी नहीं कर रहा ये हार्वर्ड ऑक्सफर्ड में घुसने की स्कीम तो मैं बात भी नहीं कर रहा ये सब एग्जाम्स क्या है दीज आर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आई सी सी ए इज़ नॉट अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम यहाँ पर आपके कट ऑफ मार्क्स नहीं होते यहाँ पर तो आप अगर पचास के ऊपर ले आओ एग्रीगेट तो आप पास हो गए वरना फेल हो गए यहां पर सीटों का सिस्टम नहीं है कि पांच लाख लोग दस लाख लोग पंद्रह लाख लोग लिखेंगे और सिर्फ पांच हजार सीटें मिलेगी आठ हजार सीटें मिलेगी नहीं वो कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं सो दिस डेफिनेटली इज नॉट द टफेस्ट कोर्स इन एनी सेंस ना ही सिलेबस से ये टफेस्ट कोर्स है सिलेबस क्या है अपना चार पेपर आठ पेपर आठ पेपर एक लिमिटेड सिलेबस है उसमें भी अगर कहीं हमको लगता है आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो हम हो हल्ला मचाते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने चाहिए यूपीएससी का सिलेबस क्या है एनी वेर एनी थिंग बिलो द सन एनी थिंग नॉट ऑन अर्थ एनी थिंग इवन इन दूनिवर्स कुछ भी पूछा जा सकता है कैट का सिलेबस क्या है एप्टीट्यूड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम एप्टीट्यूड का आप लोगों को तो इवन सिलेबस वाइज इट्स नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स इवन कॉम्पिटिटिव वाइज इट्स नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स ड्यूरेशन यस कोर्स की लंबी है आपको आर्टिकल शिप करना पड़ता है बट दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स एंड इट्स नॉट बाई एनी मीन मेकिंग इट द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स इन द वर्ल्ड लेकिन आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली क्या होता है ओ oh, मैं तो सबसे डिफिकल्ट कोर्स कर रहा हूं क्या मैं इस लायक भी हूं कि सबसे डिफिकल्ट कोर्स करूं अरे फेल हो गया बट ये तो सबसे डिफिकल्ट कोर्स है मैं करूं क्या दैट थॉट प्रोसेस सिंपली मेक्स इट वेरी नेगेटिव फॉर द स्टूडेंट्स आई डोंट नो किसने चालू किया आई डोंट नो कौन प्रोपोगेट करता है हाँ हम मेरे को भी अच्छा लगता है बोलना कि सी ए बहुत difficult course है आई हैव क्लियर इट तो मुझे प्राउड फील होता है कि भाई डिफिकल्ट कोर्स था बट मैं ये नहीं बोल रहा जाके हर जगह कि सबसे डिफिकल्ट कोर्स दुनिया का मैंने क्लियर कर लिया है एंड देखो मैं कितना ग्रेट हूँ नो दैट्स नॉट द ट्रूथ सो लेट्स लेट्स स्टॉप फूलिंग आर्ट सेल्फ दूसरों को तो छोड़ो लेट्स स्टॉप फूलिंग आर्ट सेल्स बिकॉज इट्स इस इंपैक्टिंग अस इन अ नेगेटिव मैनर जो इससे कॉन्फिडेंस ले पा रहा है वेरी गुड अज्यूम करो कि सबसे डिफिकल्ट कोर्स है बट जो इसकी वजह से नेगेटिव हो रहा है जी नहीं ये सच्चाई नहीं है सेकेंड सबसे बड़ी चीज जो मैं कॉमेंट्स में इतना ज्यादा सुनता हूं कि सीए जितनी मेहनत और कहीं कर लेते तो आज हम आई ऑफिसर बन जाते आज हम डॉक्टर बन जाते आज हम कैट क्लियर कर लेते आज हम आई आई जेई क्लियर कर लेते हु यू यू शुड हैव टेकन एन डिसीजन हुए राइटिंग नाइन थाउजेंड नाइन इन राइटिंग 9,999 आउट ऑफ 10,000 थाउजेंड स्टूडेंट्स हु से दिस विल नॉट क्लियर कैट विल नॉट क्लियर यूपीएससी विल नॉट क्लियर आई आई टी जेई खैर आई आई टी जे बात भी कर रहा इससे टोटली डिफरेंट स्ट्रीम बट बच्चे लिखते हैं कि इतना मेहनत कर लेता तो मेरा आईआईटी में हो जाता था इतना मेहनत कर लेता तो आई में हो जाता था कर लो अब कर लो मैंने यूपीएससी दिया है दो बार दिया है, मैंने यूपीएससी नहीं हुआ क्लियर मेहनत की है उतनी मेहनत की है नहीं हुआ क्लियर दोज आर डिफरेंट थिंग्स वहां पर जो आप लोगों की स्किल सेट लगती है वो अलग है यहां पर जो आप लोगों की स्किल सेट लगती है वो अलग है हो सकता है आपकी स्किल सेट वहां बेटर हो आप यहां पर फंस गए हो गलती से दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट दोनों को सेम प्लेटर पे रखना और बोलना कि इतनी मेहनत जितनी मैं सीए में कर रहा हूं उतनी आई में कर लेता या उतनी कैट में कर लेता दैट इज वंस अगेन रबिश इससे क्या होता है इससे बाकी स्टूडेंट्स का भी माइंड डिविएट हो जाता है कि हाँ यार मैं अगर आईआईटी में मेहनत कर लेता कैट के लिए दो साल पढ़ लेता तो मैं IIM में हो हो जाता था। अच्छा? Students, five out of आप लोग कर ही नहीं सकते थे बट जस्ट यूजिंग दिस एज एन एक्सक्यूज मेहनत यहां किया उतनी वहां कर लेता तो nobody needs नीड्स टू बाई दैट आई एम सॉरी टू से दैट इज time बिग टाइम there अगेन देर विल बी not आई एम नॉट fail सभी फेल होंगे नहीं बट इट्स नॉट ईजी वहां पर भी आपको ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस लगाना पड़ेगा कोई बोलेगा कि मैं बी कॉम करके इतने पैसे कमा लेता कोई बोलेगा सीएफए करके इतने पैसे कमा लेता याद आप लोग टोटल पॉपुलेशन में दस लोगों का रेफरेंस लेके बोलोगे देखो सीएफए सीए से ज्यादा कमा रहा है बीकॉम सी ए से ज्यादा कमा रहा है ऑब्वियसली अनपढ़ भी सीए से ज्यादा कमा रहा है दैट इज

डिफेंड uh, करने की कोई जरूरत नहीं है इनफैक्ट मैंने ही काफी सारे वीडियोस में अपने पिछला कहा है कि आईसीआई का जो सिलेबस है वो इतना ज्यादा आउटडेटेड हो रहा है कि अगर हमने अगले दो तीन साल में चेंज नहीं किया ड्रास्टिक चेंज नहीं किया सिलेबस को देन वी विल लूज आउट इन द मार्केट में खुद बोलता हूं वो बट दैट डजेंट मीन कि द कंपेरिजन दैट वी ड्रॉ देर माइट बी बेटर कोर्सेज देन सी एस आई सेट सी एज नॉट द टफेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड सी इज नॉट द बेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड देर माइ बी बेटर कोर्सेज इन द वर्ल्ड फॉर श्योर But ये जो माइंडसेट है ना कि इतनी मेहनत जितनी यहाँ किया उतनी और कहीं कर लेता तो मैं वंडर्स कर लेता सेफ गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम दैट बिकॉज दैट वेरी हार्मफुल फिर वो आप जो पढ़ाई करते हो आपके दिमाग में यही बातें चलती रहती है कि मैं गलती कर रहा हूँ मैं गलती कर रहा हूँ इतनी मेहनत वहां कर लेता इतनी मेहनत वहां कर लेता एंड यू आर नॉट एबल टू डू जस्टिस टू दिस यूर एनी विच वॉट डूइंग जस्टिस टू दि अदर कोर्स दैट यू आर थिंकिंग इन योर हेड इट इज इंपेक्टिंग यू एंड दट इज द बॉटम लाइन माई अगेन आई एम बिंग वेरी क्लियर मुझे कंपैरिजन नहीं करना ना ही मैं बोल रहा हूं सीए दुनिया का बेस्ट कोर्स है ना ही मैं बोल रहा हूं सीए दुनिया का टफेस्ट कोर्स है बट दिस कंपैरिजन दैट इज ड्रॉन विल हार्म यू जिससे कि मैं आप लोगों को कहूंगा कि तो बच्चों तीसरी चीज आईसीआई जानबूझ के फेल करता है आईसीएआई जानबूझ के जो है पेपर गलत करता है आपके मार्क्स काट लेता है yes, there are cases, there are documented evidences जहां पर आईसीआई ने गलती की है कि आंसर करेक्ट था लेकिन मार्क्स नहीं मिले हैं स्टूडेंट को लॉट ऑफ पीपल कि देखो भाई सजेस्टेड आंसर ये है मेरा आंसर यह है आईसीआई ने गलती कर दी है डेफिनेटली आई एम नॉट से फुल प्रूफ है नहीं है फुल प्रूफ बट ट्रीट देम एज एक्सेप्शन आउट ऑफ अ थाउजेंड पेपर मे बी टू पेपर्स मे बी फाइव पेपर मे बी टेन पेपर अ डिस्क्रिपेंसी बट बाकी पेपर में ऐसा नहीं होता मैनुअल करेक्शन है डिस्क्रिपेंसीज आएगी ही आएगी आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट आई एम नॉट डिनाइंग इट इट्स देयर बट इट्स नॉट यूनिवर्सली ट्रू मेरे को बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं सर आई तो जान के फेल कर दिया मेरे को नहीं सर आई तो खुद रिजल्ट एडजस्ट करता ही है

पी कि मैं तो अच्छा ही कर रहा था आईसीआई ने धोखा कर दिया मेरे साथ आई सी आई ज्यादा कर रहा है आईसीआई गलती कर रहा है गेट आउट ऑफ दैट माइंड सेट बिकॉज होता क्या है ना वेन यू आर स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स आर इन यूर माइंड मैंने ये सुना है स्टूडेंट से बात करते हुए मैंने ये डिस्कस किया है स्टूडेंट से वेन दे आर स्टडिंग दे आर वरीड कि सर मैं तो पूरा पढ़ के जा रहा हूं आईसीआई गलत करेक्शन कर देगा लेकिन करेगा तब देखेंगे वी विल पुट इट आउट ऑन यू ट्यूब मेनी टीचर्स डू योर टीचर्स हु टीच यू डू दैट होपफुली होप फुली आईसीआई आईसीआई अभी तक करेक्टिव एक्शन नहीं लेती है दे शुड टेक आई आई एम एम नॉट नॉट डिनाइंग डिबेटिंग गलतियां नहीं होती है होती है बट कीपिंग दैट एट द बैक ऑफ योर माइंड थ्रू आउट एंड देन स्टडिंग विथ दैट वो विगल निगल इन योर माइंड कि यार गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा मैं तो सही हूं वो गलत है ऑलरेडी यू आर लूजिंग आउट ऑलरेडी यू आर यू आर आप हाथ खड़े कर दे रहे हो आप गेम अप कर दे रहे हो कि नहीं मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ आई सी लेकिन गड़बड़ कर सकती है ये तो वर्ल्ड का टफेस्ट कोर्स है इतनी मेहनत और कहीं कर लेता तो मैं कुछ और ही बन जाता यू नीड टू गेट ओवर दैट इज माई सिंपल शॉर्ट मैसेज दैट आई वॉन्टेड टू गिव थोड़ा सा आई फेल्ट कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है ये बट देन इट्स द ट्रूथ एंड अगेन लेट मी बी वेरी कैटेगरी क्लियर मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा मैं सिर्फ स्टूडेंट के माइंडसेट की जो इम्पैक्ट होती है उसके बारे में बात कर रहा हूं दैट इज द इंटेंट ऑफ दिस वीडियो एंड नथिंग एल्स ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के बाद सब्सक्राइब करना है चैनल को और अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो मेरा ट्रैवल चैनल भी है ट्रैवल विद ए बी अरिहंत बैद ट्रैवल विद ए बी प्लीज वहां पर जाकर वीडियोस देखिए इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो अरिहंत बैद ऑफिशियल मेरा इंस्टा हैंडल है लिंकड इन पे सी ए अरिहंत बैद के नाम से मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके दूसरे वीडियोज़ भी देखिएगा इस चैनल पर थैंक यू सो मच सी यू गाइज